वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंसान, जानवर, मछली, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद से लेकर कुछ नहीं बचा। ना ही भाषाई मर्यादा का किसी ने ख्याल रखा, ना ही लोगों की भावनाओं का। अब ऐसे में जब चुनाव परिणाम आ चुके हैं तब नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता को भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं आया। जब नेताओं ने भाषाई मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखा तब ऐसे में उनके समर्थक कैसे पीछे रह सकते हैं। इसी कड़ी में एक अच्छी पहल करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सभी से अपील की है कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हार जीत एक जीवन का हिस्सा है और ये लगा रहता है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करें और बुरा व्यवहार करने से बचें। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। दरअसल अमेठी से चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को लगातार ट्रोल किया जा रहा था। इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने सभी से अनुरोध करते हुए ये अपील की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस नेता केएल शर्मा ने यहाँ से शानदार जीत हासिल की। किशोरी लाल शर्मा ने ईरानी को 1,67,196 वोटों से हराया था। बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी के साथ साथ चार पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने भी लुटियंस दिल्ली में अपने सरकारी बंगले को खाली कर दिए हैं। दूसरी ओर सरकार में शामिल नए मंत्रियों को बंगले आवंटित करने को लेकर गुरुवार को एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक के बाद ऐसी चर्चा थी कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर स्थित बंगला दिए जाने की संभावना है। ये बंगला पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से हार गई थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मात देते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया था। अब ऐसे में देखना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी की इस अपील का कितना असर दिखाई देता है।